हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं तुगलक वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी से देव खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होगा कि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, एक भी सब्सक्राइब रहेगा तो इससे मेरा जो है मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करूँगा। साथ में सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपको कोई भी जो मैं वीडियो डालूंगा वो समय पर आपको प्राप्त हो जाएगा और इसका आप जो है इसके लाभ से लाभान्वित हो सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं वीडियो डालूंगा इसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा और आप शायद देखने से भी वंचित रह जाओगे और कभी कभी वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो पछताने के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ में त्रिपान स्टडी सेंटर जो है उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जो है CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, प्लस जो बच्चे NIOS बोर्ड में पढ़ रहे हैं जिन्होंने प्लस टू भी करना है और जो है प्लस वन भी और टेंथ भी करने हैं, उनके लिए भी NIOS के लिए जो है अग्रसर है। प्लस जो है जो BA फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो बच्चे हैं उनके लिए भी अग्रसर है। इसलिए सोचिए मत, विचार मत, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मनोबल को बढ़ाइए जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कर सकूं। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो शायद मैं जो है अगली बार ना मिल पाऊं। तो इसलिए जो है सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब अभी कीजिए, ठीक है। चलिए, ये तो आपके लिए था और ये आपको करना है या विचार करना है ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा तो आज है जो है देखना है कि फिरोज शाह तुगलक कौन था और इसकी जीवन की कठिनाइयाँ किस तरह से जो बढ़ी। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो था, एक फिरोज शाह तुगलक का जन्म जो था 1309 ईस्वी में हुआ था, वो गयाउद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का पुत्र था, यानी गयाउद्दीन जिसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका छोटा भाई का पुत्र था वो। उसकी माता पंजाबी स्थित बोलहर से भट्टी राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी। यह विवाह बलपूर्वक किया गया था ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिन दिनों गाजी जो है तुगलक दीपालपुर में सूबेदार था, उसने एक सुंदर तथा आकर्षक राजपूत लड़की से विषय में सुना था। उसने रणमल पर दबाव डाला कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसके छोटे भाई से करे। रणमल ने इनकार करने पर गाजी मलिक ने दमन की नीति अपनाई। उसने रणमल तथा उसकी प्रजा पर बड़े ही अत्याचार किए। इन सबकी दयनीय दशा को देखते हुए लड़की ने पिता से कहा कि यदि इस विवाह से जनता रक्तपात से बच सकती है तो मुझे इस विवाह से आपत्ति नहीं है, और इस विवाह के फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ, ठीक है। यानी कह सकते हो गयाउद्दीन के छोटा भाई का यह पुत्र था, यानी एक तरह से कहा जाए तो वो उसका भतीजा था गयाउद्दीन का, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को अपने चचेरे भाई फिरोज से विशेष प्रेम था, ठीक है उसके अपने चचेरा भाई था, उसे बहुत प्रेम था। अंत मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में ही उसे शासन के पद पर नियुक्त कर दिया था। वो फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, यानी फिरोज शाह तुगलक को वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र नहीं था। उसके बाद राजद्रोही की कठिनाइयाँ, देखिए कि 20 मार्च जो है जो 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, ठीक है, यानी 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बिन तुगलक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र न था और न ही उसके किसी अभी तक अपनी उत्तराधिकारी का घोषित भी किया था। अंत उसकी मृत्यु का समाचार फैलते ही शाही शिविर में लूटमार आरंभ हो गई। लूटमार करने वाले सिंधी विद्रोही और शाही सेना के कुछ मंगोल सैनिक थे। जो है लूटमार का जो है बाजार 2 दिन तक गर्म रहा। इस जो है संकटपूर्ण स्थिति में राज्य की हितैषियों अमीरों ने फिरोज शाह तुगलक से अनुरोध किया कि वह शासन की भागडोर संभाल कर इसे स्थिरता प्रदान करें। फिरोज शाह तुगलक सिंहासन की अभिलाषा नहीं रखता था, इसलिए उसे सिंहासन में बैठने से इनकार कर दिया। उधर सरदारों ने भी अपना हट जारी रखा। अंत उसके निरंतर आग्रह पर फिरोज शाह तुगलक को राजगद्दी स्वीकार करनी पड़ी। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की बहन तथा उसकी मंत्री ख्वाजा एजहां ने जो है सुल्तान पद के लिए फिरोज शाह तुगलक का विरोध भी किया। वो दोनों एक अन्य उत्तराधिकारी के पक्ष में थे, ऐसा करके शायद वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हो। परंतु अमीरों तो सरदारों ने उनकी चाल न चलने दी और 23 मार्च जो है 1351 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक विविध राज्य सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसे 1388 ईस्वी तक शासन किया, यानी काफ़ी समय तक इसने शासन भी किया। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक का सिंहासन फूलों की सेज नहीं थी। जिस समय वह गद्दी पर बैठा था देश संकट से गुजर रहा था। राज्य का एक बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में छिन चुका था। सेच बजा सम्राट भी छिन भिन दिखाई देने लगा था। इसी तरह का कहीं नाम नहीं था। दिल्ली पर समयवर्ती प्रदेश प्लेग की महामारी कारण वीरान दिखाई देने लग गया था, क्योंकि चारों तरफ जो था प्लेग की बीमारी जो था फैल गई थी, महामारी, जिसकी वजह से गांव नष्ट होते जा रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने विवेकहीन कार्य के कारण
जनता बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी जो है विवेकहीन कार्य किया था, ठीक है, क्योंकि उसका जो कार्य था आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे। इन परिस्थितियों में फिरोज शाह तुगलक को एक और तो सम्राट की सामग्री करना तथा दूसरी ओर जनता के दुखों का निवारण करना कार्य काफ़ी जटिल थी और काफ़ी कठिन भी थी। फिरोज शाह तुगलक ने धैर्य और साहस से काम लिया तथा अपनी विदेश नीति और सुव्यवस्थित शासन प्रबंधन द्वारा इस स्थिति को सुधारने का हर संभव प्रयास किया, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे ऐसे काम किए जिसको काफ़ी जो है जनता में निराशा फैल गई, तो उसकी निराशा के वजह से जो था शासन प्रबंधन जो था बिल्कुल ही तहस नहस हो गई थी। तो जो है फिरोज शाह तुगलक के लिए उनके प्रशासन को सही व्यवस्थित करना बहुत ही कठिन कार्य हो गया था, लेकिन फिर भी जो है इसने अपना धैर्य नहीं खोया। इसको जब वहाँ के सरदारों ने ज़बरदस्ती उसको राजगद्दी पर बैठा दिया तो उसने भी अपना विवेकपूर्ण जो है विचारों से वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लग गया। इन सब कारणों से फिरोज शाह तुगलक को बहुत कुछ सुधारने की आवश्यकता पड़ा। कहते हैं पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में फिरोज शाह तुगलक अपने उल्लेखनीय प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक जो है दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ, क्योंकि उस समय जो वातावरण थी बिल्कुल ही अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है उसने लोग कहने पर वहाँ के जो शासन का भागडोर है वो अपने हाथों में ले लिया। उस समय राज्य विद्रोह की लपेट में था, शासन छिन्नभिन्न हो चुकी थी, कृषि तथा उद्योग नष्ट हो चुके थे, देश में अराजकता का अनुशासनहीनता का वातावरण बन चुका था। इन विपरीत परिस्थितियों में फिरोज शाह तुगलक ने धैर्य से काम किया। उसने अपनी प्रशासनिक प्रतिभा का सहारा लेकर राज्य को पुनर्गठन करने का निश्चय किया। उसने कृषि तथा राजस्व भूमि जो विभाग में सुधार किए और जो है मृदा प्रणाली में सुधार भी किया गया, अनेक जो है सार्वजनिक कार्य भी किए गए। देखते ही देखते प्रशासन नवीन आदर्शों में ढलने लग गया, परंतु उसके सभी सुधार जो है मुस्लिम जनता के लिए थे लेकिन हिंदू प्रजा के लिए नहीं। कहते हैं ना यही चीज़ जो है सबको ले डूबता है, वो एक जाति के लिए करती है दूसरे जाति के लिए लोग करते ही नहीं है, जबकि एक बात हमेशा राजा को समझना चाहिए कि वो निजी नहीं होता है, राजा सदैव सार्वजनिक होता है, यानी हर एक प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए एक सामान्य होता है, क्योंकि वो उसी के ही राज्य में रहता है, चाहे आधुनिक युग हो चाहे वो पुरातन युग हो। हर समय जो राजा को इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और जो धर्म के पीछे लोगों को बांटते हैं शायद वो जीवन में कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। ये हमें सभी जगहों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। अंततः उसकी बहुसंख्यक प्रजा उसके सुधारों से लाभ से वंचित रह गए। अंततः फिरोज शाह तुगलक के सुधार जो है साम्राज्य का जो है स्थित्व प्रदान करने में विफल रहे, क्योंकि कहते हैं ना एक को आप देखोगे एक को नज़रअंदाज करोगे तो आपका शासन किस तरह से जो है आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद था अनुचित करों का अंत। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे 26 अनुचित करों का अंत कर दिया जिनके इस्लाम धर्म आज्ञा नहीं देता था। केवल 4 कर ही रहने दिए गए जिन्हें उगाहने की आज्ञा कुरान भी देता था। ये 4 कर थे खराज, खसम, जजिया और जकात। ये 4 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसको इस्लाम धर्म में भी लेने की पूरा परमिशन दी गई थी, इसलिए इसने 4 ही जो है रहने दिया, बाकी सारे जो करों को था ख़त्म कर दिया। खराज भूमि कर तथा जखम युद्ध में प्राप्त लूट के धन का 4वें भाग को कहते थे। जजिया का कर हिंदुस्तान से लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाता था और कुछ निश्चित इस्लाम संबंधी कार्यों में खर्च भी किया जाता था। किसानों की सुविधाओं के लिए सुल्तान ने भूमि कर में कमी कर दी। राज्य कर्मचारी द्वारा कृषकों से भेंट लेने पर भी रोक लगा दी गई। व्यापार की उन्नति के लिए उस पर से अनेकों कर हटा दिए गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देश का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, क्योंकि काफ़ी कर हटा देने से ही जो है व्यापार करने वाले लोगों को और प्रोत्साहन मिला और उन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर जो है व्यापार में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि जो खराज होता था वो भूमि कर होती थी और जो खम्स होते थे ये लूट मार कि 4वें भाग को कहते थे। ठीक है, और जजिया कर जो होते थे हिंदुओं से लिए जाते थे और जकात कर जो होता था मुसलमानों से लिए जाते थे। तो 4ों कर के बारे में कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद था कृषि को उसने काफ़ी प्रोत्साहन किया। अनुचित करों का अंत करके राज्य के आय में कमी आ सकती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन देने का हर संभव प्रयास किया। स्थान स्थान पर उसने नहरें खोदे गए, अतिरिक्त भूमि को हल तले लगाया गया और सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के किसानों में सराहा कर अर्थात सिंचाई कर उगाह जता था। यह जो है कुल उपज का 10% यानी 10वां उपज का 10वां पार्ट होता था। भूमि की अच्छी प्रकार की जांच पड़ताल करके कर की दर
इतनी घटा भी दी गई थी। किसान बिना कठिनाइयों के कर दे सकते थे। राजस्व विभाग के कर्मचारी के वेतन बढ़ा दिए गए ताकि वो घुसखड़ी से बचे रहें। इस प्रकार राजस्व कृषि संबंधी सुधार कर किसानों की दशा सुधार दी गई। कृषि को भारी उत्साह मिला और साथ ही साथ राज्य के आय में भी काफ़ी असाधारण वृद्धि हुई, जिसकी वजह से जो है फिरोज शाह तुगलक को लोग काफ़ी सम्मान से नाम लेते, क्योंकि उसने जो है हर कदम पे जो है जो उसके पूर्वजों ने किया उसको उसने कभी नहीं दोहराया। उसने हर संभव अच्छा से अच्छा करने की कोशिश किया। सिर्फ उसका एक ही गलती था कि वो धर्म के रिगार्डिंग चल रहा था और उसने हिंदुओं को प्रायोरिटी नहीं दिया, और इसी वजह से उसका जो है पतन का सबसे बड़ा कारण भी बना। उसके पश्चात सिंचाई साधनों का निर्माण, उसने सिंचाई साधनों का हर संभव निर्माण करवाया जिससे कृषि का जो है उत्पादन बढ़ सके। फिरोज शाह तुगलक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाना था। कृषि को उन्नत करने के लिए राज्य में अनेक नहरें खोदी गई थी। इनमें 5 नहरें प्रमुख थे। सबसे बड़ी नहर जो था 150 मील लंबी थी। सबसे बड़ा नहर जो उसने बनवाया था 150 मील लंबी थी। इसके द्वारा यमुना नदी का जल हिसार जिले तक पहुंचाया जाता था। इसे उलगी खान खनी नहर भी कहते थे। दूसरी बड़ी नहर जो थी वो थी 96 मीटर लंबी थी और यह सतलुज नदी के घघरा नदी तक जाती थी। इसे राजवाहर नहर कहा जाता था। तीसरी नहर जो थी सिरमौर की पहाड़ियों से आरंभ होकर झांसी तक जाती थी। चौथी घघरा से फिरोजशाह तक, पांचवी यमुना से फिरोजबाद तक पहुंचती थी। इस नहरों के बन जाने से कृषि उत्पादन बढ़ा और लोग जो है सुखमय जीवन व्यतीत करने लग गए, क्योंकि जब सारी सुविधाएँ मिल गई तो वो कहीं और क्यों जाएंगे। उसके बाद प्रजाहित कार्य, फिरोज शाह तुगलक का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही था कि वो प्रजा हित कार्य किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। उसने दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना भी रखी थी। इस विभाग को आगे 2 भाग थे। इनमें एक रोजगार विभाग था जिसका संचालन विशेष पदाधिकारी के अधीन थे। इसके कार्यालय में राज्य के सभी बेकार लोगों का लेखा रखा जाता था और उन्हें योग्यतानुसार रोजगार भी दिया जाता था। नगर का कोतवाल बेरोजगार लोगों के नाम दर्ज कर लेता था तथा सूची को रोजगार विभाग के पास भेज देता था। सुल्तान इतना दयालु था कि वो बेरोजगार तथा जरूरतमंद लोगों के लिए नई नई नौकरियाँ पैदा कर देता था। दूसरा विभाग जो था मुस्लिम लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। एक प्रकार का दानशाला थी। इस विभाग द्वारा विधवाओं तथा अनाथों को आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। सुल्तान ने दिल्ली में एक दार उल साफा नामक धर्मस्थल औषधालय भी खोला था। इसमें योग्य हकीमों की नियुक्ति भी की गई थी। यहाँ निर्धन रोगियों को दवा एवं भोजन मुक्त दिया जाता था। 4 अन्य नगरों में भी अस्पताल खोले गए थे। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुविधाओं के लिए सड़कों के किनारे कुछ कुछ दूरी पर सराय की भी स्थापना की गई। इन सरायों की संख्या 200 से लगभग थी। इतना कुछ होते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुल्तान के इस प्रजा हितकारी कार्य में लाभ केवल मुसलमान जनता को ही पहुंच रही थी, ठीक है। हिंदू जनता पहले ही की तरह दुखी एवं पीड़ित रही। तो यही तो बात सबसे बड़ी बात होती है। इसने इतना अच्छा अच्छा कार्य किया, लेकिन कहते हैं ना, एक जाति के लिए किया। जाति जाति मगन था। अगर वो देश प्रेमी होता तो शायद ऐसा नहीं करता। उसके पश्चात था दंड विधान सुधार। फिरोज शाह तुगलक ने दंड विधान में भी काफ़ी सुधार किया। उसकी न्याय व्यवस्था का आधार इस्लामी कानून थे। अंत उसने उन सभी दंडों का अंत कर दिया जो इस्लाम की दृष्टि में उचित नहीं थे। न्याय के लिए राजधानी में काजी तथा प्रांतों में महत्वपूर्ण नगरों में अनेक अधीनस्थल काजी रहते थे। मुफ्ती नामक अधिकारी इस्लामी पार्टी के अनुसार कानून की जो है व्याख्या करता था। और तब पश्चात क्या हुआ, उसके जो है काफ़ी मुकदमे का निर्णय भी नाक कान और अंग भंग करना मामूली दंड समझे जाते थे। यानी उस समय जो होता था, आँख नाक कान अंग भंग कर दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त अपराधियों के आँखें निकलवा देना, हाथ पैर तथा सीने में लोहे की कील गड़वा देना तथा उसे और से चिरवा देना आदि यतनाएँ प्रचलित थी। परंतु फिरोज शाह तुगलक एक दयालु शासक भी था। अंत उसने एक शाही फरमान द्वारा यतनाएँ अंग भंग तथा मृत्यु दंड पर रोक भी लगा दी थी। परंतु सुल्तान के न्याय संबंधी सुधारों का लाभ केवल मुसलमान प्रजा को ही मिल रही थी। हिंदुओं को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। तो ये सिर्फ जो थे सिर्फ मुसलमान के लिए सारा कर्म किया जा रहा था, हिंदू के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो इस्लामी कानून के अनुसार से अपना शासन भार संभाल रखा था। उसके बाद था दासों का संरक्षण। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बड़ा ही शौक था, परंतु वह दासों के प्रति विशेष रूप से दयालु था। फिरोज शाह तुगलक के सरकारी इतिहासकार हजीब के अनुसार उस समय दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। इसमें से 40,000 दास तो शाही सेवा में ही रहते थे। दासों की देखभाल
देखभाल के लिए तथा अन्य जो है नौकरानी जुटाने नौकरियों जुटाने के लिए सुल्तान ने अलग विभाग की स्थापना भी कर रखी थी। फिरोज शाह तुगलक की दासों के प्रति इतनी उदारता और सम्राट के लिए इतना हानिकारक सिद्ध हुआ, इसे एक तो राजकोष पर भारी बोझ भी पड़ा और दूसरे दासों के संयंत्रों से तुगलक साम्राज्य की स्थिरता भी बना दिया। यानी कहते हैं ना, इतने सारे दासों को रखना, तो एक तरह से देख सकते हैं कि जो है जो महलों में एक षडयंत्र की जो है एक बू आती है, ठीक है ना, चारों तरफ षडयंत्र की एक बू रची जाती है जिसमें जो होता है सबके सब जो है लीन रहते हैं। तो यही कह सकते हैं कि 180,000 जो है नौकर का रखना एक आम बात नहीं थी। यही चीज़ जो है अब इसको लेट हुआ, यानी इसको ख़त्म होने का जो है दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण ये भी बन सकता है आगे चल के। उसके बाद था मुद्रा सुधार, मुद्रा को भी सुधार किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा प्रणाली में भी कई सुधार किए। उसके समय में अधिकतर वही सिक्के ही चलते रहे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रचलित थे, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने साधारण जनता की सुविधाओं के लिए कई मूल्य के सिक्के भी जारी किए। इन सिक्कों में आधी जो है जीतल और चौथा जो है जीतल के सिक्के उल्लेखनीय हैं। आधे जीतल की ऐदा तथा चौथे जीतल के विख कहते थे। ये सिक्के तांबे तथा चांदी के मिलाकर बनाए जाते थे ताकि लोग नकली सिक्के बनाकर लाभ न उठा सकें। टका सालों में जो है सलाखों से बचने के लिए जो है काफ़ी उसने अधिकारियों की नियुक्ति भी किया। कहते हैं कि उसने जो है टकसालों में धोखाधड़ी करने के लिए उसने बहुत से ऐसे अधिकारी की नियुक्ति किया जो धोखा ना दे सके, जैसे कि पहले फिरोज शाह तुगलक के समय में हो रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ऐसा ही हो रहा था। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने इन सारे जो गलतियां की गई थी उस गलतियों को उसने नहीं किया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, सुल्तान ने पुराने सिक्के में भी कई सुधार किए जिससे जो डुप्लीकेट उसे लोग पहले आम जनता बना लिया करती थी उनको बनाना उनके लिए कठिन हो गया। आगे था विद्या तथा शिक्षा की उन्नति। फिरोज शाह तुगलक विद्वानों का बड़ा ही आदर करता था। उसने बहुत से विद्वानों को पेंशन दे रखी थी, ठीक है। उसके दरबार में वरानी और अफीज जैसे इतिहासकार रहते थे। वरीन ने है तारीख ए फिरोजशाही लिखकर सुल्तान का नाम अमर बना दिया। इसके अतिरिक्त फिरोज ने बहुत सी संस्कृत रचनाएं का फारसी में अनुवाद भी करवाया। चिकित्सा शास्त्र में सुल्तान को काफ़ी दिलचस्पी थी। उसने शिक्षा प्रसार में विशेष रुचि दिखाई और इस उद्देश्य से उसने लगभग कहते हैं 30 मदरसों की स्थापना भी की। इसमें फिरोज शाह का फिरोज ए शाही मदरसा सर्वाधिक प्रसिद्ध था। इतना ही नहीं, सुल्तान ने विद्वानों को देश के विभिन्न भागों में रहकर लोगों की विद्या दान देने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उसने ज्वालामुखी के स्थान पर एक लाइब्रेरी भी बनाई। इस लाइब्रेरी में हिंदुओं के जो है लगभग 1300 ग्रंथ उपस्थित थे। उसके बाद था फिरोज शाह तुगलक के भवन। देखिए जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को भवन निर्माण कला के विशेष प्रेम था। सुल्तान स्वयं कहता था कि अल्लाह ने मुझे अपने नतीज ख्वाहिश को जो कि बहुत सी देने दी, उनमें से सार्वजनिक भवन बनाने का चाप भी एक है। उसने इन भवनों के निर्माण के लिए मलिक गाजी शाहान तथा अब्दुल हक आदि वस्तुकलाकारों की नियुक्ति भी कर रखा था। कहा जाता है कि उसने लगभग 300 नए नगरों का जो है निर्माण भी कराया। कुछ भी हो, एक बात तो निश्चित रूप से ही कहा जा सकता है कि उसने जो है फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जैनपुर और हिजार फिरोजा की नींव अवश्य ही रखी थी। इन नगरों के अतिरिक्त उसने जो है 200 सराय और 10 स्नान घरों तथा 5 स्तंभों तथा लगभग 150 पुलों का निर्माण भी कराया। इन भवनों के अतिरिक्त उसने जो है लगभग 1200 बाग भी लगवाए। इन बागों के राज्य को 2,00,000 टके प्रति वर्ष आय होने लगी। तो कहते हैं इसने बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही दूरदर्शिता से उसने जो है शासन को कार्यभार संभाला। उसके पश्चात था जागीरदारी प्रथा का पुण्य उत्थान। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में जागीरदारी प्रथा लगभग समाप्त हो गई थी। इस प्रथा के दोषों को दूर करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष जागीरदार घोड़े और सैनिकों का निरीक्षण करने लग गई। फिरोज शाह तुगलक का सैन्य संगठन भी काफ़ी त्रुटिपूर्ण था, ठीक है, और इन त्रुटियों के कारण जो है सम्राट जो है विद्रोह का अड्डा बनकर रह गया। परंतु फिरोज शाह ने जागीरदारी प्रथा पुण्य प्रचलित की। उसने सैन्य अधिकारी तथा अन्य अधिकारी के वेतन के स्थान पर जागीर देने आरंभ कर दिया। आरंभ में तो सुल्तान को इस प्रथा से बहुत लाभ पहुंचा, परंतु बाद में यह प्रथा शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ। जागीरदार इतने शक्तिशाली हो गए कि वे सुल्तान के तनिक भी परवाह न करते थे। वैसे भी उन पर सुल्तान का नियंत्रण नाम मात्र ही था। जब कभी भी राज्य विद्रोह से उलझते होता है तो जागीरदार अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, जो सदैव हुआ है। हर राज्य में जो है जागीरदार जिन्हें अपना पूरा
थोड़ा लाभ उठाया है और वो अपने आप को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश भी किया है। वो राजा के विद्रोह में उलझ कर अपनी स्वतंत्रता को घोषणा कर देते हैं, परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति छीन हो गई। उसके बाद आ त्रुटिपूर्ण सैनिक संगठन। फिरोज शाह तुगलक विद्रोही सूबेदारों को दबाने में असफल रहा, परिणाम स्वरूप उसका विशाल साम्राज्य शीघ्र ही छीन भिन्न हो गया। इसका मुख्य कारण था फिरोज शाह तुगलक का दोषपूर्ण सैनिक संगठन। वह अपने जो है वृद्ध सैनिक अधिकारों को भी पद मुक्त नहीं करता था। अब देखिए ये बात तो क्लियर और सच भी है कि वृद्ध से वृद्ध सैनिक अधिकारी को रखिएगा तो जो है नौजवानों को मौका कम मिलेगा, तो ये सबसे बड़ी उसने गलती किया। क्योंकि कहते हैं जो है वृद्ध अगर लड़ाई में जाएंगे तो वो तो अपने शरीर की कठिनाइयों से ही खत्म हो जाएंगे, तो ये जो है दुश्मन को कैसे परास्त कर सकते हैं। तो इसने जो है इसी कारण से जो है इसका जो है अपदान का सबसे बड़ा कारण भी बना कि जो है वृद्ध से वृद्ध सैनिक अधिकारी को पद मुक्त नहीं करता था। कई बार तो उसका पद उसके पुत्र को दे दिया जाता था, यानी योग्य हो चाहे ना हो उसको पुत्र को जो है ये पद दे दिया जाता था, यानी कह सकते हो संबंधों का वो उपयोग करता था। कहते हैं ना कभी भी जो रिश्तेदारी में जो दिया जाता चीज है कभी सफल भी नहीं रहती। चलिए जो भी हो, लेकिन पतन का कारण तो इन्हीं में से कारण बना था। ठीक है, उसके बाद तो कई तो वो चाहे अयोग्य हो चाहे ना हो ये बात वो कभी भी नहीं सोचता था कि उसका पुत्र जो है योग्य हो चाहे ना हो। अगर वो सैनिक वृद्ध हो गया है, काम करने लायक नहीं है, तो उसको पुत्र को जो है कार्यभार संभालने के लिए कहता था। इसके अतिरिक्त यदि कोई सैन्य अधिकारी के पास घोड़े व सैनिक निश्चित संख्या में कम भी होते थे तो भी उसे निश्चित धनराशि दे दी जाती थी। और इस प्रकार से मुक्त का माल हड़पने लग गए। फलस्वरूप सुल्तान का सैन्य संगठन जो स्थिर हो गया, यानी इसकी वजह से क्या हुआ, सैन्य संगठन जो था बिल्कुल तरमरा सी गई। उसके बाद था धार्मिक असहनशीलता। इसमें था फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर सुनी मुसलमान था। वो प्रत्येक कार्य जो है कुरान शरीफ के नियम अनुसार करता था, परंतु वह अपने धर्म के लिए अंधा था। यही कारण था कि वह सुनी संप्रदाय के अतिरिक्त किसी भी धर्म का अस्तित्व सहन नहीं कर सकता था। धर्मांत होकर उसने हिंदू पर अनेक अत्याचार किए। उनके मंदिरों और पवित्र मूर्तियों को बड़ी निर्दयता से तोड़ दिया गया। कांगड़ा तथा जगन्नाथपुरी के मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और वहाँ भारी लूटमार की गई। नए मंदिर बनाने तथा मूर्ति पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो है सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया लगा दिया। यह सुल्तान का जो है घृणापूर्ण कार्य माना जाता है। हिंदू को उच्च पदों से मुक्त कर दिया गया। वह स्वयं लिखता है, मैं अपनी काफिर प्रजा को जो है इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, और कहता है कि जो भी व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर लेगा वह जजिया कर से मुक्त हो जाएगा। मैंने ये भी घोषणा किया है कि काफिरों की पुस्तकें और मूर्ति और उनके पूजा पाठ के पात्र सबको सामने राख कर दिया जाए। यानी उसने मूर्तियां और जो पुस्तकें थी सबको राख करने की इजाज़त दे दिया। इसी नीति से यद्यपि जो उलेमा तो प्रसन्न हो गए, किंतु हिंदू राज्य के कट्टर दुश्मन बन गया। वास्तव में सुल्तान की यह नीति तुगलक साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। उसके बाद दासों पर धन का अपव्यय। फिरोज शाह तुगलक को अधिक से अधिक दास रखने का चाप था। इन दासों के लिए धन पानी की तरह बहाया जा रहा था। कहते हैं कि सुल्तान ने लगभग 40,000 दास शाही सेवा में रखे हुए थे। लोग राज्य के दूरदस्ता प्रदेशों में सुल्तान के दास भेंट करने आते थे। जो भी विक्रेता उसे दास भेंट करता उसे अनेकों करों से मुक्त कर दिया जाता। परिणाम स्वरूप राज्य कोष की भारी आर्थिक धक्का लगा। इसके अतिरिक्त दासों ने राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं किया। सच तो यह है कि फिरोज शाह तुगलक भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने अपना समस्त जीवन प्रजा को असमर्पित कर दिया था। प्रशासन सुधारों की दृष्टि में रखते हुए उसकी शासन संबंधी त्रुटियों की अपेक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि बेशक उसने कुछ किया हो लेकिन कुछ कारणों से उसके जो है त्रुटियां बहुत ही सामने आती है। इसमें सर ब्लेजल हेग ने साफ शब्दों में कहा है कि अकबर से पूर्व भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास में फिरोज शाह के राज्यकाल के अंत के साथ ही साथ एक उज्ज्वल युग का अंत हो गया। यानी उसने साफ शब्दों में कहा कि ये जो था उज्ज्वल जो थी शासन उसका सदैव के लिए अस्त हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली को बिल्कुल ही ख़त्म सा कर दिया। फिरोज शाह तुगलक की वजह से जो है घरेलू विदेशी संबंध तो बहुत ही अच्छे बने भी, लेकिन इतना अच्छा नहीं बन पाया। कहते हैं कि उसका जो है लास्ट शासक इसी को ही माना जा रहा है। कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण, अब देखिए दिल्ली सल्तनत के जो विघटन का कारण था अब क्या था उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का आखिर कौन जिम्मेवार था जिसने जो है इसको पतन के जो है राह पे लाके खड़ा कर दिया।
दिल्ली सल्तनत का जो है 1526 ईस्वी में पुण्य पतन हो गया। यह पतन आकाशमक नहीं हुआ था, इसे पतन की प्रक्रिया बहुत पहले ही आरंभ हो गई थी। कहते हैं सुल्तानों के निरंकुश शासन स्थापित कर रखा था, इसे भारतीय जनता का जो है सहयोग प्राप्त न था। बड़े बड़े सरदार और अमीर राज्य के विरुद्ध सदा ही षड्यंत्र में उलझे रहते थे। सेना में काफ़ी एक जाति के लोग नहीं थे, बल्कि वह भिन्न भिन्न जातियों का मिश्रण थी। इसके कारण जो है सैनिक पूरे उत्साह से नहीं लड़ते थे। जो है सतनकालीन भारत में कभी पूर्ण रूप से शांति स्थापित नहीं हो पाई। इसके किसी न किसी भंग जो है भाग में विद्रोह होते ही रहते थे। उत्तर पश्चिम से होने वाले मंगोल आक्रमण इस युग की स्थायी विशेषता थी। एक या दो सुल्तानों के छोड़कर से सभी सुल्तान मंगोल से भयभीत रहे। जो है तुर्कों और सुल्तानों ने बड़ी दुर्बलता का परिचय भी दिया था। जो तुगलक सुल्तानों ने बड़ी ही दुर्बलता का परिचय दिया था, उन्होंने कभी भी मंगोल को जो है उनका जो है फन कभी नहीं कुचला। इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की जड़ें लगभग खोखली सी हो गई। तैमूर जो है आक्रमण दिल्ली सल्तनत के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ, और जो वास्तव में इसे आक्रमण के पश्चात दिल्ली के सुल्तान इसके पूर्वकालीन वैभव की पुण्य स्थापना न कर सके। अंततः बाबर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और दिल्ली सल्तनत का जो है पतन हो गया। इसके पतन के कारण ही बहुत से हो सकते हैं जिसको हम एक को नहीं मान सकते, क्योंकि बेशकली बाबर ने जो है दिल्ली सल्तनत को अंत करके अपना राज्य का स्थापना किया, तो इसका कहीं हद तक कारण भी था कि यहाँ के कमज़ोर राजा। क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे बाबर के बारे में तो समझ में आएगा कि आखिर बाबर क्या था। बाबर बहुत ही कमज़ोर था, फिर भी जो है इंडिया में जो है उसकी दबदबा बढ़ गया, यानी हिंदुस्तान के जो है यहाँ पर जो षड्यंत्र रची जाती है जिसकी वजह से उसने फ़ायदा उठाया और भारत पर जो है 200 सालों तक राज किया उसके पूर्वजों ने। तो ये तो आगे चल के आप पढ़िएगा। अब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के विघटन का सबसे पहला कारण क्या था। सबसे पहले तो यही था कि राष्ट्र की भावना का अभाव। दिल्ली सल्तनत जो है राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित नहीं थी, अतुल्य धार्मिक पक्षपात तथा सुल्तान की नीति पर आधारित थी। आपने अभी देखा ही होगा कि यहाँ पर जो है फिरोज शाह तुगलक ने साफ क्लियर जो है मुसलमानों को सही सहायता करता था और हिंदुओं को वो पक्षपात करता था और हिंदुओं पर हर तरह के जो है क्रूरता का परिचय देता था। तो ये धार्मिक पक्षपात थी, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि राजा जो होता है कभी निजी नहीं होता है, वो सदैव सार्वजनिक होता है। वो प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी रंग रूप के हो, उसके लिए हर एक व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि दूसरा होता है। इसलिए जो है धार्मिक पक्षपात सुल्तान की नीति पर आधारित होने की वजह से जो है दिल्ली सल्तनत का जो है विनाश हो गया। और इसका जो लास्ट शासक रहा वो इब्राहिम लोदी, जिसको जो है बाबर ने हरा के अपना शासन स्थापित कर लिया था। सभी सुल्तान इस्लाम के अनुयायी थे और प्राय कट्टर धर्मी थे। अलाउद्दीन खलजी उच्च कोटि के शासन प्रबंधन होते हुए भी अपनी हिंदू जनता के प्रति उदासीन कठोर था। फिरोज शाह तुगलक तो इतना कट्टर धर्मी था कि इतिहासकारों ने उसके हिंदुओं के प्रति व्यवहार की तुलना अंग्रेजेब से भी कर दी। उसने हिंदुओं को इनको इतने कष्ट दिए, इसकी इस प्रकार के सुल्तानों ने भी पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई और अपनी हिंदू जनता के साथ कठोर व्यवहार करके उसका समर्थन खो दिया। अपनी बहुवर्ग प्रजा को समर्थन के बिना जो सुल्तानों द्वारा जो है सफलतापूर्वक शासन करना असंभव था, क्योंकि एक ही जाति से कोई शासन नहीं कर सकता है, चाहे समय कोई भी हो, चाहे वो आधुनिक युग हो, चाहे आपका पुरातन युग हो। ठीक है, आधुनिक युग में भी जो है मंत्री संतरियों को समझना चाहिए कि हर जो है जनता उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई हिंदुत्व के लिए नहीं मरना चाहिए, ना कि मुस्लिम धर्म के लिए मरना चाहिए, सारे जनता एक समान है। तो इसी वजह से जो है फिरोजा तुगलक का जो है ख़त्म हो गया और जो है दिल्ली सल्तनत जो थी बिल्कुल विघटित हो गई। उसके बाद अभी तो साम्राज्य सुल्तानों का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, विशेष रूप से अलाउद्दीन खलजी ने लगभग समस्त भारतीय उत्तर भारत को अपना अधीन कर लिया था। दक्षिण का कुछ भाग भी उसके अधिकारों में था। तब पश्चात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत को भी पुण्य रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहाँ के राज्य में इस्लामी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करना चाहा, फलस्वरूप दिल्ली जो है साम्राज्य का विस्तार इतना बढ़ गया कि उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया, क्योंकि यातायात के साधन विकसित नहीं थे उस समय, इसलिए उत्तरी भारत राजनीतिक से बिल्कुल पृथक हो गया। फलस्वरूप जो है उत्तरी भारत में स्थान स्थान विद्रोह होने लग गए। इसके अतिरिक्त जो है मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण भारत के राज्य के इस्लामीकरण की नीति के कारण
जो है दक्षिण की सभी हिंदुत्व राज्य जो है दिल्ली सल्तनत के शत्रु बन गए। चारों ओर तुर्की सत्ता के विद्रोह की ज्वाला जो है भड़क उठी और उसके सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। शहर से लोधी शासक इतने योग्य नहीं थे कि वे सल्तनत की जो है बिगड़ती हुई दशा पर नियंत्रण पा सके। परिणाम स्वरूप जो है दिल्ली साम्राज्य की जो है शीघ्र ही छीन भीन हो गई। उसके बाद था निरंकुश राजतंत्र। दिल्ली के सभी जो है सुल्तान निरंकुश तथा स्वच्छाचारी थी। शासन की जो है सारी शक्तियां सुल्तान में ही केंद्रित था और इस प्रकार शासन केवल तभी स्थिर रह सकता है जब केंद्र में कोई अत्यंत ही शक्तिशाली शासक हो। बलबन, अलाउद्दीन खलजी आदि सुल्तानों ने तो अपने आतंक द्वारा साम्राज्य को संभाल कर रखा था और इसका विस्तार भी किया, परंतु दुर्भाग्यवश फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की राजगद्दी पर कोई भी सुल्तान इतना शक्तिशाली नहीं था जो सभी शक्तियों का जो है प्रयोग कर सकता था और बड़े बड़े अधिकारियों को अपने नियंत्रण में रख पाता। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि शासन व्यवस्था अत्यंत त्रुटिपूर्ण हो गई और वह दिल्ली साम्राज्य को ले डूबा। उसके पश्चात था सैनिक दुर्बलता। आरंभ में ही जो है सुल्तानों की सैनिक शक्ति काफ़ी दृढ़ थी क्योंकि वह सैनिक शक्ति द्वारा ही अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे और उस पर शासन भी चलाते थे। इसी बात का ध्यान में रखकर बलबन तथा अलाउद्दीन खलजी ने अनेकों सुधार किए और अपनी सेना को सख्त बनाया, परंतु बलबन जो है अलाउद्दीन खलजी तथा फिरोज शाह तुगलक ने सेना में जो है समानतावादी प्रणाली को पुनः लागू करके दिल्ली जो है साम्राज्य की सैनिक शक्ति को भारी क्षति पहुंचाई। सैनिक संगठन को दुर्बल हो जाने के कारण बाद के सुल्तान ने न तो नए प्रदेश को विजय कर सके और न ही विद्रोह का दमन कर पाए। इसके अतिरिक्त सुल्तानों की सेना में अनेक मुसलमान सैनिक ही थे, उसमें राजपूत तथा अन्य हिंदू जाति की भर्ती नहीं किया जाता था। यह संभव नहीं था कि केवल मुसलमान सैनिक ही वीर सिद्ध हो। इसकी अयोग्यता के कारण सैनिक जो है शक्ति दिन प्रतिदिन दुर्बल होती चली गई, परिणाम स्वरूप साम्राज्य जो है जो सुरक्षित न रह सका। तो यही बात है, एक ही धर्म को उन्होंने क्या किया, प्रहोटी दिया, जिसके वजह से जो था सैनिक भी दुर्बल हो गए। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी सैनिक बनता है तो वो हिंदू है या मुस्लिम देख के नहीं बनता है, वो अपनी योग्यता से बनता है, अपनी साहस से बनता है। या तो वो हिंदू भी हो सकता है, चाहे वो मुसलमान भी हो सकता है, चाहे सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, चाहे जैन भी, कोई भी धर्म हो वो अपनी योग्यता से अपने आप को प्रचालित करता है। धर्म के रिगार्डिंग कोई जो है बलवान नहीं होता है। यह बात जो है शायद फिरोज शाह तुगलक को समझ नहीं था। उसके बाद था मुसलमानों का नैतिक पतन। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के तुर्की की विजय का प्रमुख कारण उनका धार्मिक उत्साह तथा शारीरिक बल था, परंतु 300 वर्षों के दृढ़ शासनकाल में लगभग सभी मुसलमान सैनिक अमीर तथा अधिकारी विलासी बन गए थे। फलस्वरूप उनका शरीर तथा मानसिक बल बिल्कुल ही स्थित पड़ गया था और वह भारतीय राजपूतों तथा विदेशी मूलों का सामना करने में असमर्थ सिद्ध हुए। कहते 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सभी सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित किया, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। ये तो आपको पता ही है कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जिसमें इब्राहिम लोधी का पराजय हुआ था और पराजय होने का कारण भी लोधी खुद ही था। उसने जो है दूरदर्शिता का प्रयोग नहीं किया था और जो है बाबर के तोपखाने के समय जो है उसका पूरा जो है सैनिक ढेर सी बन गई थी। उसके बाद था आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। मुगल सुल्तानों ने अनेकों ऐसे विवेकहीन कार्य किए जिन पर पानी की तरह धन बहाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाओं पर लगभग सारा राजकोष खाली सा हो गया था और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी दुर्बल हो गई कि न तो आंतरिक विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा सका और न ही बाहरी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया जा सका। परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे विघटित होते चली गई और ये धीरे धीरे विघटन भी इनके शासक पर ही कारण बना। उसके पश्चात था उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। दिल्ली के जो है सुल्तानों में उत्तराधिकारी नियुक्त करने की कोई विशेष परंपरा अथवा नियम नहीं था। राज परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने आप को सुल्तान पद का अधिकारी समझता था। फलस्वरूप सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र तथा निकट संबंधियों में प्राय सिंहासन के लिए संघर्ष होता रहता था। जब कहते हैं जब आप घरों में ही लड़ोगे तो बाहरी दुश्मन तो और भी पावरफुल हो ही जाएंगे, वही हुआ कि आपस में तो ये लड़ रहे थे, जो है विदेश के जो लोग थे उनको भी जो है आमंत्रित कर रहे थे, तो वही हुआ। कहते हैं घर में लड़ाई था तो बाहर वाले तो फ़ायदा उठाएंगे ही, तभी तो बाबर को जो है आमंत्रित करके इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर गई। फल सुल्तान जो मृत्यु होती थी तो आपस में ही लड़ने लग जाते थे। इन गृह युद्धों ने जहाँ जो है साम्राज्य की शक्ति को छीन किया, वहीं आर्थिक स्थिति को भी दुर्बल बना दिया। इन परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत का पतन होना स्वाभाविक सी बात थी। उसका था मंगोल के आक्रमण। मंगोल मध्य एशिया की एक अत्यंत युद्ध प्रिय तथा क्रूर जाति थी। उन्होंने मध्यकालीन युग में एशिया के अनेक देशों पर आक्रमण किए थे। इतुमिस के शासनकाल से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक मंगोल भारत पर निरंतर आक्रमण करते रहे। ये आक्रमण सुल्तानों के लिए एक प्रमुख समस्या बन रखे थे।
सुल्तानों का शासन व्यवस्था तथा अन्य हितार्थों कार्यों की अपेक्षा करना अधिकतर ध्यान सैनिक शक्तियों को दिन करने की और देना पड़ा। फलस्वरूप उन्होंने साम्राज्य का अपार धन मंगोल के राज्य की रक्षा में ही व्यय कर दिया। इसके अतिरिक्त सुल्तानों को अनेक योग्य सेनानायक तथा राजकुमार मंगोल के विरुद्ध युद्धों में मारे भी गए और सैनिक शक्ति पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अंततः दिल्ली सल्तनत का पतन होना स्वाभाविक ही था। उसके बाद था मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तरदायित्व। मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र तथा प्रशासनिक नीति दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायित्व थी। भले ही उसकी योजनाओं के उद्देश्य अच्छे थे, यद्यपि सुल्तान का उन योजनाओं को कार्य रूप देने का ढंग उचित नहीं था। फलस्वरूप प्रत्येक योजना असफल रही। इन योजनाओं पर व्यय किए गए अपार धन से केंद्रीय कोष को अधिक जो स्थिति गहरा आघात पहुंचा। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं को लागू करने में सुल्तान ने जिस कठोरता से काम किया, उसे प्रजा के हृदय में सुल्तान तथा दिल्ली साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का जो भावना उत्पन्न हुई, ये सभी बातें दिल्ली सल्तनत के तीव्र पतन के सबसे बड़ा कारण बना। उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक का उत्तरदायित्व। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो है पूर्व अधिकारी द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु उसकी प्रशासनिक नीति भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक बहुत बड़ा कारण भी बनी। उसने धार्मिक जो है असहनशीलता की नीति को अनुसरण किया, जिसे प्रजा को बहुवर्ग हिंदुओं को तुगलक साम्राज्य का विरोधी बना दिया। इसके अतिरिक्त उसकी अत्यधिक दयालुता, नर्म दंड विधान और दानशीलता, सामान्य प्रथा को लागू करने की नीति तथा अनुशासनहीनता सैनिक संगठन ने दिल्ली साम्राज्य को जड़ों को इतना खोखला कर दिया कि उसके पुण्य जीवन का संचार करना असंभव हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक प्रतिभा का तथा कुशल सैनिक नायक का गुणों का भी समर्था अभाव था। फलस्वरूप न तो विद्रोह प्रांतों में पुण्य दिल्ली से राज्य मिला सका और न ही नए प्रदेश विजय कर सका। परिणाम स्वरूप उसके राज्य काल में दिल्ली जो है साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया और भी तीव्र हो गई। उसके पश्चात था तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तैमूर जो है समरकंद का शासक था, वो सिंहासन सरोह के शीर्ष पश्चात उसने फारसी और जो है मेसोपोटामिया तथा अफगानिस्तान के विजय करके भारत की ओर प्रस्थान किया। जो है 1398 ईस्वी में उसने पंजाब में प्रवेश किया। दिल्ली पर उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसने बढ़ते हुए शत्रु को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। अंततः दिल्ली के आसपास के लोगों ने निशस्त्र की आक्रमणकारी का विरोध किया। सुल्तान ने उनके लिए शस्त्र भी नहीं भेजे, अतुल यह कहला भेजा कि तैमूर का विरोध मत करो और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भाग जाओ। सुल्तान स्वयं भी दिल्ली के शत्रु के दया पर छोड़कर भाग निकला। तैमूर ने दिल्ली में भयंकर लूटमार की और सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों का वध कर दिया। इस लूटमार के कारण दिल्ली सल्तनत को जन धन की जो है भारी क्षति उठानी पड़ी और जो है दिल्ली राजनीतिक शक्ति छीन भिन हो गई। सुल्तान का सम्मान मिट्टी में मिल गया। कहते हैं कि 3 मास तक दिल्ली के सिंहासन को संभालने वाला कोई भी सुल्तान नहीं था। इस आक्रमण के पश्चात दिल्ली जो साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ और 1526 ईस्वी तक सीमा तो बिल्कुल ही सिकुड़ गई। उसके बाद था दास प्रथा। आरंभ में मुसलमानों के लिए दास प्रथा वरदान सिद्ध हुआ था। आपने पढ़ा भी होगा कि दास प्रथा के वजह से जो है बहुत से हमें जो है सेनानायक मिला, ठीक है, जिसमें जो है बहुत से अच्छे भी थे जिन्होंने अच्छे से काम भी किए। लेकिन दास प्रथा ने क्या किया, भारत मुसलमानों के राज्य के स्थापक कुतुद्दीन ऐबक, इतुमीस तथा बलबन स्वयं दास था। इतने जो है कुतुद्दीन ऐबक, इतुमीस तथा बलबन जैसे दास होने के पश्चात भी उसने दिल्ली सल्तनत को एक नया रूप और रंग दिया। लेकिन कहते हैं इन दासों ने अपनी योग्यता तथा साहस द्वारा जहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया, वहीं उसे आंतरिक तथा बाहरी संकट से भी सुरक्षित किया। परंतु यही दास प्रथा अंत में दिल्ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुआ। कहते हैं जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके ख़त्म भी हो गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दासों की संख्या लगभग 180,000 थी और इनकी रक्षा लगभग रक्षा विभाग करता था। परंतु ये दास स्वामी भक्त नहीं थे, ये तो सरकार पर केवल बोझ मात्र थे। दूसरे इन दासों ने राजनीतिक झगड़ों तथा घरेलू संयंत्रों में भाग लेकर परिस्थितियों को और भी अधिक जटिल बना दिया, जो है फलस्वरूप दिल्ली साम्राज्य का विघटन भी हो गया। तो ये बात साफ कहा जा सकता है कि दासों ने शुरू किया था और दासों पर ही जो है दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उसके बाद सैन्य तथा लोधी शासकों की दुर्बलता।
तैमूर के भारत आक्रमण के पश्चात दिल्ली में सैन्य वंश का राज्य स्थापित हुआ। इस वंश के सभी शासक लगभग अयोग्य सिद्ध हुए। उनके काल में दिल्ली राजनीतिक साठ गांठ का अखाड़ा बन गया। राज्य में चारों ओर अराजकता फैल रही थी। अमीर और सरदारों के सुल्तानों के सिंहासन पर बिठाने उतारने का काम जारी रखा। सैन्य वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन जो अलाम मशाह को जो है बल लोधी ने सिंहासन से उतार दिया और स्वयं सुल्तान बन बैठा। लोधी शासकों में भी सिकंदर लोधी को अतिरिक्त अन्य सभी शासक अयोग्य सिद्ध हुए। परंतु सिकंदर लोधी भी एक जो है धमाधार शासक था और अपनी हिंदू प्रजा के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। कहते हैं इसीलिए वह भी असफल रहा और साम्राज्य की आंतरिक दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। उनका जो है उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी तो अत्यंत हटी अभिमानी और उद्घंड था शासक था। उसके व्यवहार के कारण उसके सभी सरदार तथा दरबारी उससे विरुद्ध हो गए थे और अनेक प्रांतीय गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर लिया था। परिणाम स्वरूप दिल्ली राज्य बिल्कुल ही छिन्न भिन्न सी हो गई। उसके बाद था बाबर का आक्रमण। काबुल के शासक बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में दिल्ली सदर के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को 21 अप्रैल 1526 में पराजित किया। इस लड़ाई में जो है सुल्तान इब्राहिम लोधी भी लड़ता हुआ मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली सदन के शासन का अंत हो गया तथा भारत में जो है मुगल शासन की स्थापना भी हुई। इस विषय में बहुत से इतिहासकार ने साफ शब्दों में कहा है कि पानीपत का युद्ध दिल्ली के अफगानों के लिए कब्र बन गया और इससे उनका राज्य नष्ट हो गया, उनकी शक्ति का सर्वथा विनाश हो गया। लेकिन हम कंक्लूजन कुछ भी कहें, एक बात तो सच है कि अनेक कारणों से मेल से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। उत्तराधिकारी के नियम का न होना, रास्ता का अभाव होना, निरंकुश राजतंत्र जो है तुगलक शासकों के विवेकहीन कार्य, ऐसे अनेक बात थी जिन्होंने दिल्ली सदन के विशाल भवन की नींव को खोखला कर दिया। तब पश्चात ब्राह्मण आक्रमण के आंतरिक जो विद्रोह के कारण दिल्ली सदन का अस्तित्व ही मिट गया। कहते हैं पीछे जो भी हुआ उस बात को कोई नहीं देखता, लेकिन जो भी प्रेजेंट हो रही है उसको सब देखते हैं। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत के पतन में फिरोज शाह तुगलक का उत्तरदायित्व सबसे अधिक माना जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई उसके बाद दिल्ली सुल्तान बना का उत्तराधिकारी में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ। यह साम्राज्य आकार में जितना बड़ा था उतनी ही विशाल जो है विनाशकारी तत्व में परिपूर्ण था। राज्य में विद्रोह तो पहले ही आरंभ हो चुके थे, साथ में खजाना भी खाली हो चुका था। फिरोज शाह तुगलक ने शासन प्रबंधन में सुधार अवश्य किए, परंतु उसके हिंदू जो विरोधी कार्य ने उसे जनता में बदनाम कर दिया। उसने दासों पर अवव्यय किया और जागीरदारी प्रथा को फिर से आरंभ कर दिया। ऐसे अनेक बात ने दिल्ली सदन को पतन के लिए जो है गड्ढे में धकेल दिया। सबसे पहले तो उसका यही दायित्व था और यही कारणों की वजह से वो जो है दिल्ली सच खत्म हुआ कि अनुचित युद्ध नीति। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी उदार तथा अनुचित युद्ध नीति अपनाई। उसने बंगाल को विजय करने के लिए घेरा डाला, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसने घेरा हटा लिया। अंततः वहाँ के शासक इस्लाह शाह ने उसकी लौटती हुई सेना को काफ़ी क्षति पहुँचाई। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाही शाह के पुत्र सिकंदर शाह को शासन काल में एक बार फिर बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु इस भय से कि वहाँ की जो है मुसलमान स्त्रियों को सैनिक के हाथों अपमानित न होना पड़े और उसके दोषी जो है सैनिक न मारा जाए, वो बंगाल से वापस लौट आया। फलस्वरूप बंगाल का राज्य सदा के लिए दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। इसी प्रकार वो सिंध तथा दक्षिण के प्रदेश को भी अपने साम्राज्य में न मिला सका। कहा जाता है कि जब उसके सैनिक ने उसे दक्षिण के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों के विजय करने की आज्ञा मांगी तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अपने सहधर्मियों यानी मुसलमानों का खून नहीं बहा सकता। उसके शत्रु ने सुल्तान की उदारता को उसकी निर्बलता समझा और उनका पूरा लाभ भी उठाया और इस परिस्थिति में दिल्ली सल्तनत दिन प्रतिदिन जो थी कमज़ोर होती चली गई। उसके पश्चात था जागीरदारी प्रथा का पुण्य आरंभ होना। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में जागीरदारी प्रथा जो था बिल्कुल समाप्त ही हो गई थी, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने यह प्रथा फिर से आरंभ कर दिया। उसने सैनिक तथा अन्य अधिकारियों को वेतन के स्थान पर जागीर देना आरंभ कर दी। आरंभ में तो फिरोज शाह तुगलक को इस प्रथा से बहुत लाभ पहुँचा, परंतु बाद में यह प्रथा शासन के लिए घातक सिद्ध हुई। जागीरदार इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने सुल्तान के प्रत्येक आदेशों की अपेक्षा करना आरंभ कर दी। वैसे भी उन पर सुल्तान का नियंत्रण नाम मात्र का ही था। जब कभी राज्य में विद्रोह होता तो जागीरदार अवसर का पूरा लाभ उठाते, वो राजा के विद्रोह में उलझा देख अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते। परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति छीन होती गई और दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो गया। उसके बाद था त्रुटिपूर्ण जो है सैनिक संगठन। फिरोज शाह तुगलक का सैनिक संगठन दोषपूर्ण था। इस संगठन का सबसे बड़ा दोष जागीरदारी प्रथा ही थी। दूसरा जो है सुल्तान अत्यधिक दयालु था, इसी कारण वह अपने युद्ध से जो है वृद्ध सैनिकों को भी पद पर मुक्त नहीं करता था। कई बार तो वह
पद उसके पुत्र को दे देता था, चाहे वह अयोग्य हो चाहे न हो। इसके अतिरिक्त यदि किसी सैनिक अधिकार के पास घोड़े और सैनिक निश्चित संख्या को कम होते तो भी उसे निश्चित धनराशि दे दी जाती थी। इस प्रकार से मुक्त जो है मुफ्त का माल हड़पने लग गए, यानी मुफ्त के माल तो हर कोई कहते हैं ना, मुफ्त के लिए तो सरकार आज भी बनी हुई है, मुफ्त में तो सब कुछ मिलता है, फ्री फ्री करते हैं, तो फ्री का जो है माल सब हड़पने लग गए। फिरोज शाह तुगलक की सेना में जो है काफ़ी अलग सी जो है विचारधारा थी। फिरोज शाह तुगलक की सेना में जो रिश्वत भी जोरों से प्रचलित हो गई, चारों तरफ जो लोग हैं रिश्वत लेना शुरू कर दिया। सुल्तान जहां भी इस बात को परिचित था, फिर भी उसने रिश्वत को रोकने के लिए कोई भी पग नहीं उठाया, ठीक है, उसके विपरीत इसके प्रोत्साहित ही दिया। जो अफीफ का कहना है कि सुल्तान ने एक बार स्वयं एक सिपाही को सोने का एक टांका दिया ताकि वह सैनिक क्लर्क को रिश्वत के रूप में दे सके। सरदार कला की बात तो दूर, सुल्तान का जो है युद्ध मंत्री तुन मुल्लिक वशी भी बहुत बड़ा घुसखोर था। वह रिश्वत में प्रायः धन छिपा कर रखता था। एक विद्वान के अनुसार तुमित मुल्क की मृत्यु के समय उसके पास 13 करोड़ टांके थे जो उसने भूमि में दबा कर रखे थे। इस प्रकार का सैनिक संगठन होते हुए भी दिल्ली का सल्तनत अस्थायी न रह सका। तो यही बात तो कहते हैं, जब सरकार फ्री में हर चीज़ दे रही होती है तो फ्री का मतलब तो फ्री ही होता है, तो फ्री में जब सब कुछ मिल रहा होता है तो कदर कौन करेगा। जब कहते हैं ना पानी भी तो फ्री में मिल रहा है तो उसका कदर कौन करता है, तभी तो यमुना गंगा जो है सब जो है प्रदूषित हो चुकी है। आज फ्री के चक्कर में जहाँ फ्री हुआ है वहाँ पर ही प्रदूषण में लोग मर रहे हैं। तो कहते हैं ना कोई चीज़ को अगर फ्री कीजिएगा तो लोग भी उसको फ्री की तरह समझ के उसको जो है विनाश के कगार पर ला खड़ा करेगा। आज 21वीं शताब्दी में कुछ फ्री का कुछ ऐसा लालच बिछाया जा रहा है दिल्ली सल्तनत में कि आस होने वाला लगता है कि आने वाला समय में दिल्ली का भी पतन सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि आज भी जो है दिल्ली के शासक जो है फ्री की जो सिक्का जमा रहे हैं और लोग उससे ललायित हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ साल पहले हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था, वही जो है बात आज 21वीं शताब्दी में भी दोहराया जा रहा है। तो वहाँ पर भी दिल्ली का ही अंत हुआ था और आने वाला समय में शायद दिल्ली का भी विघटन हो। तो कहते हैं ना फ्री के चक्कर में जब परा है सल्तनत उसका जो है विनाश सुनिश्चित ही हुआ है, तो जिसके वजह से जो था ये बिल्कुल ही दिल्ली जो था खत्म हो गया। उसके बाद था धार्मिक सहनशीलता। फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह अपने प्रत्येक कार्य जो है कुरान शरीफ के नियमानुसार करता था। वह सुन्नी जो है संप्रदाय के अतिरिक्त कभी भी धर्म का अस्तित्व सहन नहीं कर सकता था। फिर धर्मांतर होकर उसने हिंदू पर कई अत्याचार भी किए। उनके मंदिरों और पवित्र मूर्तियों को भी बड़ी ही निर्दयता से तोड़ दिया गया। कुछ जो है मूर्तियों का रक्त से दूषित करके ब्राह्मणों के गले में डाल दिया गया। श्रृंगार तथा जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वह भारी लूटमाट भी की। नई मंदिर बनाने तथा मूर्ति की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा जाता है कि सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जो अब दर्जा के मुक्त थे कर लगा दिया गया। ब्राह्मणों ने इसके विरोध किया परंतु सुल्तान ने उसके न सुनी। देखिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि जब भी कोई समय और कोई भी जो है राजा या कोई भी मंत्री ने ये कदम उठाया है उसका सर्वनाश हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना हिंदू धर्म को प्रायोरिटी देते हो उतनी ही आपको मुस्लिम धर्म को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उतने ही सिख को, उतने ही ईसाई को, जो भी जो है राज्य। मैं हमेशा एक बात बोलता रहता हूँ कि जो कोई मंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई राजा होता है, वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। उसके लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी एक सामान्य हैं। किसी दूसरे धर्म को प्रायोरिटी ना देना, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, ये कभी भी ये मान्य नहीं होती है। प्रजा के लिए सरकार हर रूप में एक ही होती है। वो जितना हिंदू को प्रायोरिटी देती है उतने मुस्लिम धर्म को देना चाहिए, उतने ही सिख को देना चाहिए, उतने ईसाई को देना चाहिए, उतने ही जैन को देना चाहिए। यानी अगर धर्म, अगर हम कहते हैं कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है तो हर धर्म को उतनी ही प्रायोरिटी देना सबसे बड़ा प्राथमिकता बन जाती है। अगर जब भी ऐसा नहीं होगा, जब भी एक धर्म को लेकर लोग चलेंगे, एक धर्म को मंत्री लेकर चलेंगे, तो याद रखना सदैव जो है उसका जो है हमेशा ही जो है विघटन होगा। उस राज्य का विघटन होगा, उस मंत्री का पद भी जाएगा, क्योंकि ऐसा सदैव हुआ है। और इसका जो है फिरोज शाह तुगलक भी सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने सिर्फ मुसलमान धर्मों को ही आगे बढ़ाया और उसने साफ शब्दों में कहा था, ठीक है, सुल्तान ने हिंदू के उच्च पद से वंचित भी किया। और स्वयं ही लिखता है कि मैंने अपनी काफिर प्रजा को इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि जो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार लेगा
वह जजिया कर से मुक्त हो जाएगा। मैंने यह भी घोषणा किया है कि खफीरों की पुस्तकें, मूर्तियां और उनकी पूजा के पात्र सबके सामान को राख कर दिया जाए। अब देखिए, ऐसा नीति जब कोई अपनाएगा तो उसका विनाश तो सुनिश्चित होगा। मैं कहा ना कि राजा जो होता है सबके लिए होता है, उसको ऐसा नीति कभी भी नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो वो विघटन का सबसे बड़ा कारण बनता है। भारतीय इतिहास में जो है अंग्रेजेब ने पहले ही सिकंदर लोदी को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य की शासन शक्ति नीति पर धर्म का इतना प्रभाव नहीं था जितना फिरोज शाह तुगलक की शासन नीति पर था। सुल्तान की इस असहनशीलता की नीति के कारण जो है उसकी हिंदू जनता उसके विरुद्ध हो गई, जिससे दिल्ली सल्तनत का गहरा आघात हुआ। ठीक है, तो बात तो सही है, अगर आप मुस्लिम धर्म को इतना प्रोटी दोगे और हिंदू को नहीं दोगे तो सल्तनत का विकास तो होगा ही। और 21वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पर हिंदू को प्रोटी देने की सरकार कोशिश कर रही है और मुस्लिम धर्म को बिल्कुल ही छोड़ रही है। दोस्तों, ये बात हमेशा गलत होती है। सरकार के लिए सभी जो है एक सामान्य है, सबको जो है अपना जो है सहनशीलता दिखानी चाहिए। उसके बाद है अत्यधिक उदासीनता। फिरोज शाह तुगलक आवश्यकता से अधिक उदार और दानी व्यक्ति था। उसने असंतुष्ट लोगों को प्रसन्न करने के लिए करोड़ रुपए दिए और उनके ऋण भी माफ कर दिया। उसके अनेक कर भी समाप्त कर दिए गए। इन करों की संख्या 24 के लगभग थी। उसने धर्मार्थ विभाग स्थापित किया और दान में पानी की तरह धन बहाया। उसने अपने प्रजा को जो है अन्य प्रजा हितुसारी कार्य पर भी जो है अंधाधन पैसा खर्च किया। परिणाम स्वरूप सुल्तान का जो है राजकोष लगभग खाली सी हो गई और दिल्ली सल्तनत की नींव कमजोर पड़ गई। सुल्तान का दंड जो विधान भी बड़ा ही नम था। फलस्वरूप राज्य में जो है अपराध बढ़ने लग गए और विद्रोह तत्व उभरने लग गए। कहते हैं दासों की संरक्षण, सबसे अधिक तो उसने दासों का संरक्षण किया। फिरोज शाह तुगलक के दासों का बड़ा ही शौक था, परंतु वह दासों के प्रति विशेष रूप से दयालु भी था। फिरोज शाह तुगलक के सरकारी इतिहासकार अफीम के अनुसार उस समय दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। इसमें 40,000 दास तो शाही सेवा में लगे रहते थे। कहते हैं कि फिरोज, अगर हम देखा जाए, सबको हम किया जाए, अगर हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, तो यही बात सामने आती है कि फिरोज शाह तुगलक की दासों के प्रति उदारता और सम्राट के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ। कहते हैं कि सम्राट जो था, दिल्ली सल्तनत जो था, दासों से ही शुरू हुआ था और दासों ने ही ख़त्म किया। कहते हैं जहाँ शुरू हुआ था वहीं पर जो है इसका विनाश हुआ। इससे एक तो राजकोषी पर भारी बोझ पड़ा, दूसरी दासों की जो है षड्यंत्रों से तुगलक साम्राज्य की स्थिरता बना दिया, यानी चारों तरफ जो था पतन के लिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। फलस्वरूप राज्य की शक्ति पर कम होने लगी और दिल्ली सल्तनत का जो है पतन हो गई। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने ना तो अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की गलतियों की शिक्षा प्राप्त किया और ना ही उसके गुणों को अपनाया। उसने राजनीतिक धर्म में रंगने का प्रयत्न किया और विद्रोह तत्वों को कुचलने के लिए ठोस पग भी नहीं उठाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का जो ढांचा है खोखला हो गया और जिसकी वजह से जो था दिल्ली सल्तनत जो है सदैव के लिए जो है ख़त्म हो गया, उसका पतन हो गया और जो था जो बाबर थी उसकी जो है यानी मुगल साम्राज्य का सदैव के लिए उदय हो गया। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान श्री सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।